प्रतस्मरणी पूज्यपाद आत्मज्ञान दाता क्षमा के मंदिर सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का शीश लेकर राजस्थान डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ ग्राम मोवाई की पावन धरा पर सुखद सत्संग कथा में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। संसार को सुख पहुंचाने वाली समस्त संत महात्मा प्रेम भाव से पधारी हुई भद्र पुरुषों, सेवा और सरलता की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, सदगुरु कबीर साहेब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जीवन भर सुख ढूंढता है लेकिन दुखी रहता है। जहाँ जहाँ सुख का अंदाज लगाता है और वहाँ वहाँ हाथ मारता है, दुख ही पाता है। वह कौन सा उपाय है जिससे कि मनुष्य सुखी हो सके? मनुष्य के दुख दूर हो सके? और ये भी प्रश्न पूछा गया कि संसार में सुख है कि नहीं है। कुछ विचारकों का कहना है कि सुख नहीं है, दुख ही दुख है, और इस दुनिया में जो जो जन्म लिए हैं सब दुख भोगने के लिए जन्म लिए हैं कि दुख भोगो। बचपन के दुख अलग हैं, जवानी के दुख अलग हैं, बुढ़ापे के दुख अलग हैं। दुखों का रूप रंग बदल जाता है लेकिन दुख रहते हैं। बचपन में तुम किसी दूसरे कारण से दुखी थे, जवानी में तुम किसी और कारण से दुखी रहते थे, बुढ़ापे में तुम्हारे दुखी रहने के कारण तो बदल गए हैं लेकिन दुख नहीं बदला है, वो है। तो ये संसार क्या दुखालय है? यहाँ दुख ही दुख है। और यदि दुख है तो आप जानते हैं कि अंधकार यदि है तो प्रकाश भी है, दुख है तो सुख भी है। लेकिन सुख पाने का तरीका यदि मालूम हो जाए तो दुख को भी सुख में बदला जा सकता है, जीवन जीने की कला। तो कबीर साहब से ये प्रश्न पूछा गया कि संसार में दुख ही दुख है कि सुख है थोड़ा? तो कबीर साहब कहते हैं कि अल्प सुख दुख आदि अंता। इस संसार में थोड़ा सुख है, बाकी आदि से लेकर के अंत तक दुख ही दुख है। तो पूछने वाले ने फिर पूछा कि थोड़ा सुख है, वो थोड़ा सुख किस लिए है? वो भी दुख होता तो एक सा हो जाता, तो सब भोगते रहे। अब थोड़ा रसगुल्ला खाएं फिर भूखे रहें तो इससे अच्छा छोड़ो, सब भूखे ही रह लें। तो कबीर साहब ने कहा कि थोड़ा सुख इसलिए है कि उस थोड़े सुख के लालच में तुम ज़्यादा दुख भोग सको, नहीं तुम भाग जाओगे तो दुख कौन भोगेगा, इसलिए थोड़ा सुख है।
थोड़े सुख का लालच तुमको दुख भोगने के लिए तैयार कर देता है। अल्प सुख दुख आदि अंता, थोड़ा सा सुख और आदि से लेकर अंत तक दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। एक तो शारीरिक दुख होता है, शरीर में कोई रोग है, व्याधि है, कष्ट है, उसका दुख होता है। दूसरा मानसिक दुख, मन में दुख होता है। शरीर तो स्वस्थ है, मस्त है, ठीक है, लेकिन जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं होता है तो मन दुखी हो जाता है। तुम जैसा चाहते हो कि मेरी मम्मी ऐसा करे, मेरे पिताजी ऐसा करे, मेरी सासू ऐसा करे, मेरी पत्नी ऐसा करे, मेरा पति ऐसा करे, वैसा जब नहीं होता है तो तुम भीतर भीतर दुखी हो जाते हो। जब तुम्हारे मन का हो जाता है तो तुम प्रसन्न हो जाते हो, और तुम्हारे मन के विपरीत होता है तो तुम दुखी हो जाते हो। अब ये बड़ी विचित्र बात है, जीवन एक बीड़ा है, इस बीड़ा को बजाने की कला हो तो इस बीड़ा से सुख का संगीत पैदा हो सकता है, और इस बीड़ा को बजाने की कला न हो तो इस बीड़ा से कोलाहल पैदा होगा, शोरगुल पैदा होगा, उलझन पैदा होगी, टेंशन पैदा होगी। मैंने सुना है किसी गांव में एक दादाजी रहते थे, रघुनाथ अंजना जैसे दादाजी। वो दादाजी बीड़ा बजाते थे और इतनी मधुर बीड़ा बजाते थे कि उनकी बीड़ा को सुन करके पड़ोसी लोग भी अपना अपना काम छोड़ करके दादाजी के आसपास में इकट्ठे हो जाते थे और ध्यान लगाकर सुनने लगते थे। जो चीज़ तुमको पसंद आ जाती है, रास आ जाता है, आनंद आने लगता है तो तुम चुप हो जाते हो और ध्यान लगाकर सुनने लग जाते हो और गदगद हो जाते हो। अभी सत्संग में तुमको आनंद आ रहा है तो बिल्कुल ध्यान लग गया है तुम्हारा, टकटकी लग गई है कि बस डूबे रहो, हिलो डुलो मत। जहाँ जहाँ मन लग जाता है वहाँ वहाँ तुम डिस्टर्ब भी पसंद नहीं करते हो, अगर आसपास में कोई डिस्टर्ब करे तो मन में दुख होने लगता है। ऐसी मधुर वीणा दादाजी बजाते थे कि बजाने वाला भी लीन हो जाता था और सुनने वाले भी लीन हो जाते थे। घर के लोग भी, बहुएं भी काम छोड़ देती थी, सब बंद हो जाता था, दादाजी के पास बैठ जाते थे, सब मुस्करा कर सुनते रहते थे। दादाजी अमर तो नहीं थे, दादाजी एक दिन मर गए। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर हर व्यक्ति मरने के लिए पैदा हुआ है, इस सत्य को आज स्वीकार कर लेना। यहाँ मैं प्रवचन कर रहा हूँ, एक दिन मैं भी सबके बीच से छिप जाऊँगा। आप सुन रहे हो प्रवचन, आपका भी सितारा एक दिन छिप जाएगा। न सुनने वाले रहेंगे, न सुनाने वाले रहेंगे, न पंडाल लगाने वाले रहेंगे, लेकिन याद रखना कोई तो रहेगा, कौन रहेगा। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार
डर लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। जय हो। आप ताली बजाते हो तो मेरे मन में ऐसा होता है तुम बजाते रहो हम सुनते रहे और आपकी तालियां भी मैं रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ, सब वीडियो चल रहा ना, आपके हाथ आपके दांत सब रिकॉर्डिंग करके ले जाऊंगा नेपाल बॉर्डर, वहाँ जब इच्छा होगी कैसेट चला के आपके दांत देखूंगा, हाथ देखूंगा, ताली देखूंगा। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते। सब गाइए। दरबार लगा रह आवाज आनी चाहिए, 10,000 से कम लोग नहीं है, रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। फ्री में बजा दो, बिना गाए बजा दो। बस मैं तो सोचता हूँ एक दिन प्रवचन ना हो, हम मुस्कराते रहें, तुम हंसते रहो, ताली बजाते रहो, फाइनल हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ा सत्संग है। ये संसार में खुश रहना बहुत कठिन है, दुखी रहना बहुत आसान है, और गुस्सा में तो हर समय रहते ही लोग हैं। प्रसन्न रहना, ये संसार मृत लोक है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, परंतु ये शरीर नाशवान है। याद रखना, ये शरीर तो वस्त्र की तरह चेंज हो जाएगा, लेकिन तुम वही रहोगे। वह शांस जीर्णान यथा बिहाय नवान गृहणाति नरोपराणी तथा शरीरान बिहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवान देही। जैसे पुराने वस्त्रों को मनुष्य त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेता है। आत्मा वही रहता है, केवल शरीर रूपी कपड़ा बदल जाता है, और पुराना कपड़ा तुम्हारा कोई ले ले और नया तुमको दे दे तो उसको तुम धन्यवाद देते हो, तो ये मृत्यु पुराना शरीर वापस लेती है और नया शरीर तुमको देती है। इसलिए मृत्यु को धन्यवाद देना, कहना तुम आ जाना। लेकिन जबरदस्ती मृत्यु को मत बुलाना, आत्महत्या मत करना। एक आज मैं प्रार्थना करूंगा बेटियों से, बेटों से, माताओं से, बहनों से, पुरुषों से, भाइयों से, पिता बंधुओं से। घर में अगर कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, घाव छो गया हो, किसी की बात से चोट लग गई हो, मरने की इच्छा हो जाए, मरने की इच्छा हो जाए, आत्महत्या करने की इच्छा हो जाए, तो एक काम उस समय करना, दूसरा मत करना। सीधे मेरे पास चले आना और दो दिन मेरे साथ रहकर सत्संग सुन लेना। उसके बाद मैं कहूँगा मरोगे कि जियोगे, तुम कहोगे मैं तो 200 साल और जिंदा रहूँगा।
और यदि कभी घर से दुखी मन हो जाए और तुम घर से निकल जाओ, भाग जाओ, चले जाओ, तो याद रखना जितना मन तुम्हारा दुखी है, तुम्हारे चले जाने से उससे हजार गुना ज़्यादा घर वालों का मन दुखी हो जाता है। जा करके फिर 24 घंटे में वापस आ जाना, तो घर के पूछेंगे क्यों वापस आए, तो बता देना गुरु जी ने प्रवचन में सुनाया था 24 घंटे में वापस आ जाना, इसलिए आ गए। कभी आपकी पत्नी से भूल हो सकती है, थोड़ा कठोर बोल सकती है, लेकिन उसको क्षमा कर देना, पर भाग कर मत जाना। मनुष्य का मन है, कभी विचलित हो जाता है, कोई शब्द निकल जाते हैं, उसको माफ़ करना और अपने घर की व्यवस्था को देखते रहना। और मैं ये भी निवेदन करूँगा कि शब्द संभाल करके भी बोलना, बहुत जोश खरोश में मत बोलना, क्योंकि शब्द की चोट से बड़ी चोट दूसरी नहीं है। तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, परंतु सबसे ज़्यादा असर करती है यह बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी, बोली की मार नहीं सह पाता। मेरी प्रार्थना है कि आपके अंदर सहन शक्ति भी बढ़े, दूसरी प्रार्थना है कि आपके भीतर बोलने की कला भी बढ़े। सुबह सुबह कोई गलती करता है तो दोपहर तक उसका इंतज़ार कीजिए, दोपहर में नहीं सुधरता है तो शाम तक प्रतीक्षा कीजिए, और शाम तक भी परिवर्तन नहीं होता है तो रात भर उसको सोने दीजिए, और सवेरे उठ करके उसका थोड़ा सम्मान कीजिए, दो शब्द प्रशंसा के बोल दीजिए। प्रशंसा से मनुष्य ज़्यादा सुधरता है, ना कि तकरार करने से सुधरता है, प्रशंसा भी करो। तो मैं आपको बता रहा था कि दादाजी बीड़ा बजाते थे, ये बात थी ना, एक बीड़ा में अनेक ज्ञान की बातें निकलेंगी। दादाजी की वीणा इतनी मधुर थी, इतनी रसिक थी, इतनी आकर्षक थी, इतनी प्यारी थी कि सब लोग काम छोड़ करके आ जाते थे। दादाजी को चारों तरफ से घेर लेते थे, सुनते थे और दादाजी को धन्यवाद देते थे, सिर हिलाते रहते थे, वाह दादाजी धन्यवाद। लेकिन एक दिन दादाजी की मृत्यु हो गई। अब बीड़ा कौन बजाए, बीड़ा कौन सुनाए, बीड़ा कौन तार छेड़े, दादाजी जो मर गए। लोगों को बड़ा दुख हुआ कि बीड़ा, जैसे मेरी मृत्यु होगी आपको सूचना मिल जाए तो आप सबको दुख लग जाएगा कि साहेब की मृत्यु हो गई, अब मेरे इलाके में सत्संग ऐसा सुनाने कौन बंदा आएगा, दुख लग जाएगा। आप हमारे भक्त हैं, इसमें से किसी भक्त जो मृत्यु हो जाए हमको भी सूचना मिलती है तो मेरे मन में भी होता है हमारे सत्संग की शोभा बढ़ाने वाला एक सितारा छिप गया, अब क्या होगा, क्योंकि आप सब आकाश में चमकते हुए सितारे हैं, कोई ध्रुव तारे हैं, कोई सितारे हैं, और कोई चंद्र हैं, कोई सूर्य हैं, और मैं इस आकाश का दर्शन करता हूँ, देखता हूँ इतने सितारे चमक रहे हैं। याद रखना पंडाल की शोभा पंडाल से नहीं, ये चमकते हुए सितारों से और चंद्र तारों से है, अगर आप ना होते पंडाल बेकार है। व्यास गादी की शोभा ये रंग बिरंगे से नहीं, मैं ना बैठूं तो ये लफड़ा खत्म कहानी हो जाए। तो व्यास गादी की शोभा बढ़ाना, पंडाल की शोभा बढ़ाना, सत्संग की रौनक बढ़ाना, ये आपका खेल है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि जब तक जिंदगी में सांस रहे तब तक गुरुदेव की आस लगी रहे, कभी मन टूटने न पाए। हम देर में मिलें, साल बाद मिलें, 5 साल बाद मिलें, लेकिन फिर भी तुम्हारी डोरी हमसे जुड़ी रहे, तो समझ लो हमारा आपका मिलन भीतर भीतर रोज हो रहा है। जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाओ, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं,
जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं, जागूं तो दर्शन पाऊं। दादाजी के जो बच्चे थे उन्होंने बीड़ा उठा करके एक अलमारी में रख दिया कि बजाने वाला कोई नहीं बचा तो बीड़ा रख देते। कभी कभी उस बीड़ा को बच्चे उठा करके लेकर भागते हैं, बीड़ा के तार छेड़ते हैं तो घर में शोरगुल मचता है, तो घर के लोग बच्चों को मारने के लिए बच्चों के पीछे पीछे दौड़ते हैं कि ये शोरगुल क्या मचा रखा है, डिस्टर्ब कर रखा है। वीणा से, जिस वीणा से सुख मिलता था, आनंद मिलता था, उस वीणा से अब दुख मिलने लगा, शोरगुल होने लगा, अब संगीत नहीं हो रहा है, क्योंकि वीणा बजाने की कला बच्चों में नहीं थी। याद रखना, ये जीवन भी एक अमूल्य वीणा है और इसको बजाने की कला है। अगर जीने की कला है, इस जीवन के बीड़ा के तार छेड़ने की कला है, तो इसमें मधुर संगीत, सुख का संगीत पैदा होगा। यदि तार छेड़ने की कला नहीं है तो शोरगुल, कोलाहल और दुख द्वंद ही पैदा होगा। धीरे धीरे बीड़ा से तंग हो गए लोग, जिस बीड़ा से सुख मिलता था अब दुख मिलने लगा। उस वीणा को उठा करके ऊपर टाँड पर रख दिया, जो ऊंचे रखने का स्थान होता है। तो कभी कभी रात में चूहे ऊंचे टाँड पर कूदें तो वीणा के तार छिड़ जाए, तो ठनक से बच जाए, तो फिर रात में नींद टूट जाए। कभी कभी बिल्ली ऊपर चढ़े चूहों को दौड़ाए तो वीणा लुढ़क के नीचे गिरे, तो सोने वालों को डिस्टर्ब हो। तो घर के लोगों ने कहा, ये बीड़ा तो पीड़ा बन गई है, बात खत्म हो गई है। उस बीड़ा को उठा करके घर के लोगों ने नाराज होकर के घूरा पर फेंक दिया, सामने जो कचड़े का ढेर था वहां फेंक दिया। बीड़ा से पिंड छोड़ाना मुश्किल हो गया। भाइयों बहनों, ये शरीर, ये जीवन एक बीड़ा है, अगर इसको बजाने की कला न हो तो इस शरीर को तुम अंत करने के लिए सोचने लग जाते हो। अभी अखबारों में आप पढ़ते हैं कितने लोग रोज आत्महत्या करते हैं, सुसाइड कमिट करते हैं, जीवन को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आत्महत्या जीवन का कोई समाधान नहीं है। और मैं ये भी आपसे कहूँगा, धन की हानि हो जाए सह लेना, सामान की हानि हो जाए सह लेना, अपने परिवार के अंदर इतना कलह कलेश मत पैदा करना जो तुम्हारे परिवार के अंदर ऐसी घटनाएं घटित होने लग जाएं। इनसे बिल्कुल सावधान रहना और मन को बस में रखना, ऐसी भी कोई क्रियाकलाप न करना जिससे मुंह दिखाने लायक न रह जाओ और आत्महत्या का चुनाव करना पड़े। जिंदगी जीने के लिए मिली है, मरने के लिए नहीं। मौत तो अपने आप आती है, प्रयास नहीं करना चाहिए उसके लिए। जीने के लिए प्रयास करो कि हम अच्छा जिए और जीने के बाद इस संसार में खुशबू फैला कर चले जाए। एक दिन उसी गांव में एक कोई फकीर निकला, जोगी निकला, रहीस जोगी, ऐसा जोगी निकला और उसने अलख निरंजन की आवाज लगाई और कहा कि कुछ बंदे को चाहिए, भीख चाहिए। उसकी नज़र उस फकीर की घूरे पर पड़े हुए बीड़ा पर गई और उसने बीड़ा को उठाया, रुमाल से झाड़ा, धूल साफ की, तार को ठीक किया और बीड़ा को छेड़ दिया। और ऐसा बीड़ा के तार छेड़े, ऐसा स्वर निकला, ऐसा संगीत पैदा हुआ कि बीड़ा की ध्वनि को सुन करके मोहल्ले वालों को ऐसा लगा, दादाजी फिर से आ गए हैं, लग रहा बीड़ा बज रहा, दौड़ के चला।
घर के लोग भी काम छोड़ करके बैठ गए और बीड़ा सुनने लग गए और बोले कि आप बीड़ा कहाँ से लाए, ये तो ऐसे बीड़ा आपने बजाए जैसे हमारे दादाजी बजाते थे, बड़ा आनंद आ गया, धन्यवाद है आपको। तो उस फकीर ने कहा बीड़ा मैं लेकर नहीं आया हूँ, ये बीड़ा तो घोड़े पर पड़ा हुआ था, मैंने खाली धोल झाड़ी है, तारों को सेट किया है। बीड़े के अंदर संगीत नहीं होता है ना तो आनंद होता है, बीड़े के तारों को उंगलियों से छेड़ करके अपने हृदय से ही संगीत पैदा करना पड़ता है, तब ये आनंद का संगीत पैदा होता है। मैं आपसे कहूंगा आपका शरीर बीड़ा है, कर्मों के तारों को छेड़ना है, अब इन कलाओं को सीख लीजिए तो आपके जीवन में आनंद और सुख पैदा हो जाएगा। गरीबी हो या अमीरी हो, यह भी मत सोचना कि अमीर लोग सुखी होते हैं और यह भी मत सोचना कि गरीब लोग दुखी होते हैं। ये भी मत सोचना कि सर्विस मिल गई तो सुख मिल गया, सुख नहीं मिला, सर्विस मिल गई तो थोड़ा पैसा मिल गया, लेकिन पैसा से सामान मिलता है पर सुख नहीं मिलता है। सुख तो समझदारी से पैदा होता है, सुख का रिश्ता गरीबी अमीरी से नहीं होता है। जितना विवेक तुम्हारे अंदर जागृत हो जाता है उतना तुम सुखी हो जाते हो, और विवेक सो जाता है उतना ज़्यादा दुखी रहते हो। विवेक को जगाइए। तुम्हारा विवेक कैसे जागृत होगा? विवेक तो सत्संग से जागृत होगा, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग कैसे मिलेगा? अब मैंने ये तो बता दिया कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा, लेकिन सत्संग कैसे मिलेगा? सत्संग का मिलना भी कठिन है। बड़े भागी पाइए सत्संगा, बिनहिं प्रयास होइ भव भंगा। मेरे पीछे चौपाई दोहराना तो ऐसा लगेगा कि भौरे गुंजार कर रहे हैं। बड़े भागी पाइए सत्संगा, बिनहिं प्रयास होइ भव भंगा। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, और सत्संग मिल जाए तो बिना प्रयास के जीव भवसागर से पार हो जाता है। कैसे बिना प्रयास के पार होता है? जैसे रजाई ओढ़ने के लिए तुमको प्रयास करना पड़ता है, लेकिन रजाई ओढ़ने के बाद ठंडी भगाने के लिए तुमको प्रयास नहीं करना पड़ता है, फिर ठंडी भगाने का काम रजाई स्वयं करती है। ऐसे सत्संग में आने के लिए तुमको प्रयास करना पड़ता है, सत्संग पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, सत्संग में बैठने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उसके बाद तुम्हारा प्रयास बंद हो जाता है, फिर सत्संग जो है तुम्हारे दुख द्वंद की ठंडी को भगा देता है और तुमको धन्य बना देता है। पीछे वाले भी तालियां बजा दिया करो, ऐसे क्यों बैठे हो अधमरे जैसे? दमदार ताली मारो, दूर हो तो क्या फर्क है, दिल से तो नज़दीक ही हो। जैसे ट्रेन में बैठने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, टिकट लेने के लिए प्रयास करना पड़ता, प्लेटफार्म पर जाने के लिए प्रयास करना पड़ता, ट्रेन में पैर बढ़ाकर बैठने के लिए प्रयास करना पड़ता, लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद फिर अगली स्टेशन पर पहुंचने के लिए तुमको प्रयास नहीं करना पड़ता। तुम ट्रेन में खड़े रहो तो भी ट्रेन अगली स्टेशन पहुंचा देती, तुम बैठे रहो तो भी पहुंचाती है, लेटे रहो तो भी पहुंचाती है, तुम उसमें झगड़ा करते रहो तो भी पहुंचा देती है, ट्रेन पहुंचाती है, फिर तुम्हारा प्रयास खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से सत्संग की ट्रेन में बैठने के लिए आपको श्रद्धा का टिकट लेने के लिए प्रयास करना पड़ता है, और भक्ति के प्लेटफार्म पर जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, आस्था से सत्संग की ट्रेन में बैठने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उसके बाद तुमको प्रयास नहीं करना पड़ता है, फिर सत्संग की ट्रेन स्वयं प्रयास करके अगली स्टेशन मोक्ष की मंजिल पर पहुँचा देती है और तुम्हारा कल्याण कर देती। बड़े भागी पाइए सत्संगा,
प्रयास हो ही भव भंगा। सब गाइए, आनंद कीजिए। बड़े भाग्य पाइए सत्संग, बिनही प्रयास हो ही भव भंगा। लेकिन सत्संग कब मिलता है? बड़े भाग्य से मिलता है। तो बड़े भाग्य कैसे उदय होते हैं? जब पुण्य हो। पुण्य पुंजे बीनु मिलही न संता, सत्संगत सं श्रत करयंता। जब पुण्य का ढेर इकट्ठा होता है, आवाजें कई आ रही है, ठीक कर रहा। जब पुण्य का ढेर इकट्ठा होता है तब जाकर के संत मिलते हैं। ये आपको जो संत मिले हैं ये ढेर पुण्य आपका है। जिसका पुण्य कम होता है उसको असंत मिलते हैं, संत नहीं मिलते। और जिसका ज़्यादा पुण्य है, भाग्य उदयन बहु जन्म समर जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम तदुदयते विवेका। श्रीमद् भगवत में कहा गया है कि जब बहुत भाग्य उदय होता है, पुण्य का ढेर इकट्ठा होता है, तब इस जीव को सत्संग मिलता है, संत मिल जाते हैं। और वो सत्संग के प्रभाव से विवेक उदय होता है, और विवेक के उदय होने से मोह और मद का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है, और जीव ज्ञान के प्रकाश में यात्रा शुरू कर देता है। तो भाइयों और बहनों, आपका विवेक उदय करने के लिए सत्संग रखा गया है। जो जिंदगी में कांटे चुभ रहे हैं वो फूल बनाने के लिए सत्संग रखा गया है। जहाँ जहाँ तुमको पीड़ा मिल रही है वहाँ वहाँ बीड़ा बजने लग जाए, इसके लिए सत्संग किया गया है। बड़े भाग्य पाई सत्संगा। अब पुण्य कौन करेगा? पुण्य का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। तुरंत का दान महाकल्याण। आपके मन में जो भावना बनती है उसका भी प्रभाव तुम पर आ जाता है। किसी मंदिर में सत्संग हो रहा था, पति पत्नी और बच्चे सत्संग सुनने के लिए गए। फिर आरती शुरू हुई, वंदना शुरू हुई, तो वो सत्संग के बीच में पति जो था वो बार बार पीछे मुड़ के देखता था। तो पुजारी ने पूछा, पीछे मुड़ मुड़ के क्या देखते हो? बोले, सवाल भगवान का नहीं है, सवाल जूतों का है। तो जब वंदना शुरू हुई, वंदना में भीड़ बहुत थी, बहुत भीड़ थी, लाखों लोग थे। तो उसको ऐसा डर लगा, भगवान के सामने बोला, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। फिर जूते चप्पलों की ओर मुड़कर देखा तो बोला, हाथ जुड़े हैं, वंदना चल रही है, मुंह मुड़ रहा है। तो बोला, जूतों चप्पल की ओर देखकर तुम्हें वो बंधुस च सखा तुम्हें वो, चले मत जाना कहीं। फिर मन में डर लगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहीं इधर उधर खिसक ना जाए, तो बच्चों की ओर हाथ जोड़कर और मुँह से तो प्रार्थना चल रही वंदना, कहा, तुम्हें हो विद्या द्रिविडम तुम्हें हो। फिर देखा भीड़ के धक्का मुक्की में कहीं पत्नी न खो जाए, तो उसकी तरफ हाथ जोड़कर मुड़ के बोला, तुम्हें हो सर्वम मम देव देव। तो पुजारी ने उसकी पीठ ठोंकी, कहा, बिल्कुल सही वंदना तूने किया, तुम्हें हो सर्वम मम देव देव। पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हस्बैंड। कांतिलाल जी खड़े हो, तुम टीचर हो, बताओ। ये हमारे कांतिलाल जी परम भक्त हैं, कालू खेड़ा के। खड़े हो बेटा, शर्माओ मत, उधर हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, ताली बजा दो। कल इनके घर भी जाऊंगा मैं, कालू खेड़ा, करीब करीब 4 बजे पहुंचूंगा इनके यहाँ।
कल मुझे बेपुर गौशाला भी जाना है, गौ माता 800 गौ माता है उनका दर्शन करने के लिए, और गौपालक जो वहाँ पर हैं 60 गांव के कमेटी उसके बीच में 1 घंटे प्रवचन देने के लिए, और गौ धूली उड़ के मेरे भी लग जाए, इस पुण्य के प्रभाव से मुझे जाना है। तो इंग्लिश में पति को हस्बैंड कहते हैं, इसका अर्थ बहुत अच्छा है। वास्तविक हस्बैंड बनिए आप। हस्बैंड वह है जब पत्नी कहे हंस तो हंस दे, और जब कहे बैंड तो बंद हो जाए, वो हस्बैंड है। यानी आपका रिमोट स्विच पत्नी के हाथ में रहे, उसके अनुसार चलो। तुमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब हाथ जोड़ के, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंदिर में तुम देवी देवताओं की बहुत पूजा करते हो, लेकिन आपके घर में जीती जागती देवियां हैं, कभी अपने माँ रूपी देवी की भी पूजा कर लेना। होली दिवाली में उनको माला पहना करके पैर छू लेना, और कभी कभी अपने पति को माला पहना करके चरण छू लेना, कभी अपने सास ससुर का सम्मान कर लेना, तो विश्व के देवी देवता खुश हो जाएंगे, क्योंकि घर के जीते जागते देवी देवताओं के दिल को जीतिए। तुमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पुण्य के बिना संत नहीं मिलते, और संतों के बिना सच्चा सत्संग नहीं मिलता है, और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, और विवेक के बिना बेड़ा पार नहीं होता। बहुत लंबी श्रृंखला है। पुण्य करोगे तो संत मिलेंगे, और संत मिलेंगे तो सत्संग मिलेगा, और सत्संग मिलेगा तो क्या होगा? सत्संग मिलेगा तो भैंस मिलेगी, विवेक मिलेगा, और विवेक मिलेगा तो क्या होगा? सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल है, पढ़े या पढ़े मन को। पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, लेकिन विवेक नहीं होगा तो दुखी रहेगा। आपकी भक्ति में भी विवेक होना चाहिए, लेकिन भक्ति करोगे विवेक नहीं है तो भक्ति में भी दुख पाओगे आप। मैं देखता हूँ कभी कभी छत्तीसगढ़ में लोग नंगे पैर नंगे बदन केवल अंडरवियर पहने हुए सड़क पर लेटे लेटे लेट कर फिर उठकर फिर लेट कर ऐसे यात्रा करते हैं। सब उनके पेट की खाल छिल जाती है, घुटनों की खाल छिल जाती है। तो उनसे मैंने पूछा, ऐसा क्यों करते हो? बोले, इससे भगवान ज़्यादा खुश होता है। तो मैंने कहा, इससे भगवान भाग जाता है, क्योंकि भगवान समझ जाता है खुद तो लेटे लेटे चल रहा है, और इससे प्रेम करोगे हमको भी लेटा देगा, इसलिए निकलो यहाँ से। भगवान तो उनसे खुश होता है जो पवित्र रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, साफ सुथरा रहते हैं, और मन को शुद्ध रखते हैं, भावना शुद्ध रखते हैं, कर्म शुद्ध करते हैं, और फिर मंदिर में जाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, सत्संग कराते हैं, साधु संत के चरणों की सेवा करते हैं। उनसे भगवान खुश होता है। भगवान
ये ढोंग करने से खुश होने वाला नहीं है, भगवान धोखा नहीं खाएगा। लखनऊ में एक DIG थे, वे राधा का भेष बनाते थे। इतना बड़ा अफसर, पढ़ा लिखा अफसर, IPS अफसर पुलिस का, जो SP से भी बड़ा पद होता है DIG का, इतना बड़ा अफसर, वो राधा बनकर रहता था। साड़ी पहनता था, ब्लाउज पहनता था, नाक में नथनी पहनता था। एक दिन उस अफसर की पत्नी ने उसकी नथनी नोच डाली। बोले, तुम झूठ राधा क्यों बनते हो? भगवान कृष्ण को धोखा क्यों देते हो? तुम पुरुष हो, राधा का ढोंग क्यों बनाते हो? भगवान का इतना भोला भाला है कि धोखा खा जाए, पुरुष को राधा मानकर विवाह कर लेगा? झेल, फालतू बात मत कर, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, मेरा पति, तू नथनी क्यों पहने है? तो उसने नथनी नोच दी, तो पति पत्नी में धक्का मुक्की हुई। इतना बड़ा अफसर, उसके विवेक नहीं और भक्ति कर रहा है। ये नथनी पहनने से कोई भगवान खुश होने वाले हैं? ये साड़ी पहनने से भगवान खुश होने वाले हैं? ये झूठ मूठ राधा बनने से भगवान खुश होने वाले हैं? तुम राधा मत बनो, तुम लीला भाई रहो, सावित्री भाई रहो, तुम जो हो रुक्मणी भाई रहो, तुम जो हो उसी में भगवान खुश है। संत गुरु की सेवा करो, सत्संग सुनो, मन को शुद्ध रखो, भगवान तो तुमको ढूंढेगा, तुम कहाँ हो तुम्हारे दिल में निवास करेगा, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में, शुद्ध मन वालों के संग में भगवान रहता है। एक दोहा कबीर साहब ने कहा है, बहुत प्यारा दोहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यदि तुम्हारा मन निर्मल हो जाए तो भगवान तो निर्मल मन वाले को ढूंढ रहा है, फिर तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्ति के मार्ग में कपट का त्याग करना बहुत जरूरी है। जिनके मन में कपट है उनके भक्ति की ट्रेन तो चली जाती है, लेकिन उनका डिब्बा इधर ही कट जाता है, आगे नहीं जाता है। अहमदाबाद से ट्रेन बॉम्बे जा रही थी, 4 मित्र बैठने के लिए गए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हिंदुस्तान में बसों में भीड़, अस्पतालों में भीड़, ट्रेनों में भीड़, ऑटो रिक्शा में भीड़, भीड़ में भीड़, और ये किस्मत है जो सत्संग में भीड़। हाँ, तो पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता। गौर से समझना, तुरंत का दान महाकल्याण। दान करने से पुण्य होता है, परोपकार करने से पुण्य होता है, सेवा करने से पुण्य होता है, किसी दुखी का दुख मिटाने से पुण्य होता है, सहयोग देने से पुण्य होता है, गरीब को मदद करने से पुण्य होता है, कन्या दान से पुण्य होता है। आपको और बता दूं, जब कभी जितेंद्री ब्रह्मचारी वैराग्यवान संत के सामने बैठ करके तुम दर्शन करते हुए सत्संग सुनते हो, तो 1 घंटा 2 घंटा जो भी वो प्रवचन करते हो तुम सुनते हो, वो 2 घंटे का समय आपकी उम्र में से नहीं खर्च होता है, वो समय अतिरिक्त आपकी उम्र में प्लस कर दिया जाता है। ये भी बहुत विचित्र पुराण में लिखा हुआ है, इस 40 पॉइंट को मैंने ढूंढा है। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए, साधु संत का प्रवचन सुनना चाहिए। एक चीज और बता दूं, ये तुरंत का दान महाकल्याण की कहावत क्यों चल रही है, इसका अर्थ आज बता दूं। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, बहुत दुखी रहता था, परेशान रहता था, क्योंकि उसके घर में गरीबी ज़्यादा थी। तो उस ब्राह्मण की गरीबी का दुख, तो एक दिन उस ब्राह्मण की कन्या ने पूछा, पिताजी आप दुखी क्यों रहते हो? तो उस ब्राह्मण ने कहा, बेटी तेरा जब से जन्म हुआ है तू लौकी जैसे बढ़ रही है, तेरे विवाह की चिंता है, घर में गरीबी बहुत है।
तो उस लड़की ने कहा कि पिताजी मेरी चिंता न करो, क्योंकि हर आत्मा अपना अपना भाग्य लेकर के पैदा होता है। मेरे सब कार्य मेरे भाग्य से होंगे, आप टेंशन क्यों लेते हो? और अगर टेंशन है आपको तो मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, किसी के घर में बेटियाँ हों तो आप चिंता मत करना, उन बेटियों की केवल शिक्षा प्रदान कराना, बेटियों को योग्य बनाना, संस्कार देना। उस हर बेटी के लिए घर और बर सब उसके किस्मत से निर्धारित है। वो आपकी बेटी एक अच्छे घर में पहुंच जाएगी, जहां से तुमको भी मदद करेगी। उस बेटी ने कहा कि पिताजी मैंने सुना है कि यहाँ के जो राजा हैं वो कविता सुनते हैं और इनाम देते हैं, तुम जाओ कविता सुना दो और इनाम ले लो। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि बेटी मेरे को कविता बनाना भी नहीं आता है, ब्राह्मण तो हूँ लेकिन बुद्धि नहीं है, कविता कैसे बनाऊँ? तो बेटी ने कहा मैं कविता बना दूँगी, तुम सुना देना। तो बाप ने कहा कि बेटी तू बना दे, लंबी कविता मत बनाना, नहीं तो भूल जाएगी, सुना भी नहीं पाऊँगा। बेटी ने कहा एक लाइन की कविता है, तुरंत का दान महाकल्याण, यही दो शब्द सुना देना राजा साहब को। वो ब्राह्मण राज दरबार में गया, उसने कविता सुनाई, कविता सुन करके राजा बड़ा खुश हुआ, उसने 5 स्वर्ण मुद्रा उसको दान दिया, इनाम दिया। बड़े बड़े कवि आए थे, धुरंधर गायक आए थे, उनको एक एक मुद्रा दान में मिली, पर उस ब्राह्मण को 5 स्वर्ण मुद्रा दान मिली। सबको ईर्ष्या हो गई, नफरत हो गई कि छोटा सा कविता सुनाया, बड़ा सा इनाम पाया, इसको कैसे ठीक करूं? मन में ईर्ष्या का जन्म हो जाता है। दूसरे दिन वो ब्राह्मण फिर आया और फिर उसने वही कविता सुनाया, तो कविता सुनाते ही राजा खुश हुआ, उसने कहा आज फिर से 5 स्वर्ण मुद्रा इसको इनाम दीजिए। अब बैठे हुए राज कवियों को दुख लग गया कि हम इतने बड़े कवि हैं, 1 स्वर्ण मुद्रा पाते हैं और ये छोटी सी कविता फिर वही वही सुनाता और 5 स्वर्ण मुद्रा पाता है। तो राजा से राष्ट्र कवियों ने कहा कि जरा इस कविता का अर्थ भी पूछो इस ब्राह्मण से। पूछा कि अर्थ बता दे, तो उसने कहा कल बता दूंगा। बोले कल अर्थ नहीं बताया तो फिर तेरे को जेल में पहुंचा दूंगा, झूठ झूठ सुना करके पैसा लेता है। अब वो ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया कि अगर अर्थ नहीं बता पाया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। घर आया दुखी होकर के, बेटी ने पूछा पिताजी आज क्या दुख है? बोले राजा ने अर्थ पूछा है, बहुत उलझन हो गई है। बेटी ने कहा अर्थ मैं बता दूंगी, तुम टेंशन क्यों लेते हो? बेटी बहुत चतुर थी, कभी कभी बाप से ज़्यादा चतुर बेटा होता है और बेटे से भी चतुर पोता होता है, और कभी कभी बेटी बहुत होशियार होती, बहू बहुत होशियार होती है, और कभी कभी बूढ़ा बाप बहुत कलाकार होता है। इसलिए आपके घर में जो होशियार हो, चतुर हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, कलाकार हो, उसकी बुद्धि से उसकी कलाओं से काम लेना, उसको अवसर देना, चांस देना, व्यवस्था देना, प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना उसको। बेटी ने कहा जाओ राजा से कह देना कि इसका अर्थ अगर सुनना चाहते हो तो 4 बजे शाम को बगीचा में जाइए, बगीचा में विमान आएगा, पार्षद आएंगे, वे बिठा कर ले जाएंगे, आपको अर्थ बताएंगे। अर्थ सुनने के लिए राजा तैयार बैठा है, ब्राह्मण पहुंचता है, फिर कविता सुनाता है, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा खुश हो जाता है, 5 स्वर्ण मुद्रा दान देता है, इनाम देता है, कहता अर्थ कहा 4 बजे शाम को अपने बगीचे में जाइए, वहाँ पार्षद विमान लेकर आएंगे, आपको इस कविता का अर्थ बताएंगे। राजा शाम को 4 बजे बगीचे में पहुँच गया, विमान उतर गया है, पार्षद निकले हैं विमान से और बोले क्या आप अर्थ जानना चाहते, तुरंत का दान महाकल्याण? बोले हाँ मैं अर्थ जानना चाहता हूँ। तो पार्षदों ने कहा कि आप विमान में बैठ जाइए। राजा अकेले विमान में बैठ गया, विमान जोर से आकाश में उड़ा तो राजा के होश उड़ गए कि कहाँ ले जाएंगे अर्थ देने के लिए, कहीं अर्थ के बजाय अर्थ ही न दे दें, डर लग गया अकेले। विमान जब आकाश में उड़ा राजा को डर भी लगा, पार्षदों से पूछा कहाँ ले जाओगे? बोले बिल्कुल अर्थ बताने ले चला हूँ, चिंता न करो।
ऐसी जगह विमान उतर गया, राजा उतर कर देखता है एक स्वर्ण का महल बन रहा है, स्वर्ग बन रहा है, सोने का स्वर्ग है। हजारों मिस्त्री राजगीर लेवर सब काम कर रहे हैं, सोने का महल बनाया जा रहा है। पार्षदों ने कहा कि धरती पर एक धर्मवीर नाम का राजा है, वो बहुत दान करता है, पुण्य करता है, गरीबों को सहयोग करता है, उसके लिए ये स्वर्ण का स्वर्ग बनाया जा रहा है और इसमें जब वो मरेगा तो रखा जाएगा। तो उस राजा ने कहा धर्मवीर तो मैं ही हूँ, तो बोले आपके लिए ही ये इंतजाम हो रहा है, ये तुरंत के दान महाकल्याण का अर्थ है। राजा ने मन ही मन उस ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और कहा कि वापस ले चलो। पार्षद विमान में बिठाकर वापस छोड़ गए। अगले दिन ब्राह्मण फिर आया, सुनाया तुरंत का दान महाकल्याण। राजा खुश हुआ और कहा आज 10 स्वर्ण मुद्रा इसको दान दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी बात लोक परलोक की बात बता दिया। उस ब्राह्मण से पूछा ये कविता कौन बनाया है, कविता का अर्थ कौन बताया है, ये तो तू बता दे। उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरी बेटी है, वही कविता बनाती है और वही अर्थ बताती है। तो उस ब्राह्मण के मन में लालच आ गया कि जो बेटी लोक परलोक के बारे में जानती हो, बेटी कितनी बुद्धिमान भाग्यशाली है। ब्राह्मण से बोला राजा कि मैं विवाह करूंगा। ब्राह्मण दुखी हो गया कि मैं ब्राह्मण हूं, तुम ठाकुर हो, राजा हो, क्षत्रिय हो, तुम्हारे साथ मेरी बेटी छोटी है, 17 साल की उम्र है। बोले जबरदस्ती करूंगा, तेरे को मार कर करूंगा, जेल में डालकर करूंगा। उसके मन में अधर्म आ गया। 10 स्वर्ण मुद्रा लेकर के ब्राह्मण घर को रोता हुआ आया। बेटी ने पूछा आज क्या दुख हो गया। बोले राजा के मन में बेईमानी आ गई है, तेरा विवाह अपने साथ करना चाहता। बेटी ने कहा चिंता मत करो, इसका उत्तर मैं बताऊंगी, कल जाओ यही कविता सुनाओ, राजा से कह दो जाकर के कविता का उत्तर बदल गया है, अर्थ बदल गया है, जरा फिर से देख ले जाकर के। अगले दिन जाकर के ब्राह्मण ने राज दरबार में सुनाया कि तुरंत का दान महाकल्याण। राजा ने कहा कि बेटी को क्यों नहीं लाए। बोले बेटी ने कहा है कि इस कविता का अर्थ चेंज हो गया है, 4 बजे बगीचे में जाकर के पार्षद आएंगे, उनके साथ विमान में बैठो, अर्थ देखो जाकर। राजा शाम को बगीचे में गया, विमान में बैठा और पार्षदों के साथ में वहीं पहुंचा जहां सोने का स्वर्ग बन रहा था। देखा तो वहां 10,000 लेबर जुट करके वो सोने के महल को हथौड़ा से तोड़कर गिरा रहे हैं और वहां पर बहुत बड़ा नरक खोदा जा रहा है। तो राजा ने पूछा ये क्या है। बोले जो धर्मवीर राजा था वह धर्मवीर हो गया है, गरीब ब्राह्मण की कन्या के साथ जबरदस्ती विवाह करना चाहता है, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा नरक बना जाएगा, उसमें उस राजा को डाला जाएगा। भावना बदलते ही अर्थ बदल जाता है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। कृष्ण कहते हैं जिसके पास में सद्भावना नहीं है और भावना में विवेक नहीं है, और जिसकी बुद्धि में विवेक नहीं है उसको शांति कहाँ, और जिसको शांति नहीं उसको सुख कहाँ मिल सकता है। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को अपने भावनाओं को अच्छा बनाना चाहिए। आप विचार कीजिए, यहाँ जो लोग दान की भावना से बैठे हैं उनके मन में प्रसन्नता है, जो लोग चप्पल चुराने की भावना से बैठे हैं उनके मन में टेंशन है कहीं पकड़ ना लिया जाऊँ, जो लोग सत्संग के उद्देश्य से बैठे हैं उनका मन खुश है, और जो लोग किसी छल कपट के उद्देश्य से बैठे हैं उनके मन में असमंजस बहुत है। अभी छल कपट नहीं किया है, अभी दान नहीं किया है, अभी चप्पल भी नहीं चुराया है, लेकिन भावना का प्रभाव ऊपर पड़ रहा है। अभी राजा ने कुछ किया नहीं है, ना बेटी के साथ विवाह किया है, लेकिन भावना बदलती है तो ऊपर स्वर्ग नरक चेंज होने लग जाता है। राजा ने पार्षदों से प्रार्थना किया कि मुझे विमान में बिठाइए और तुरंत वापस पहुंचाइए। तुरंत वापस लेकर पार्षद पहुंचे और कहा उतर जाइए। अगले दिन जब ब्राह्मण आया तो उसने फिर सुनाया तुरंत का दान महाकल्याण। तो राजा ने सिंहासन छोड़ करके ब्राह्मण के पैर छुए और क्षमा मांगा, कहा मेरे से भूल हो गई, तेरी बेटी का विवाह मैं करूँगा, माफ़ी चाहिए। अब तेरी बेटी के विवाह में जितना पैसा लगेगा वो मैं लगाऊंगा, लेकिन मैं कभी नहीं विवाह करूँगा। इस बात को सुन करके ब्राह्मण खुश हो गया।
और 10 मुद्रा लेकर घर गया, बेटी को बताया। बेटी कहने लगी, जाओ राजा साहब से फिर कल सुनाना और कहना अर्थ फिर से बदल गया है। ब्राह्मण अगले दिन आता है और फिर वही कविता सुनाता है, तुरंत का दान महाकल्याण, और कहा कि इसका अर्थ फिर चेंज है, 4 बजे बगीचे में जा कर के पार्षदों को मिलो, विमान में बैठो, अर्थ देखो जा कर के। राजा उस कविता को सुन करके 10 स्वर्ण मुद्रा दान देता है और 4 बजे शाम को बगीचे में जाता है। विमान पार्षदों का आता है, उसमें बैठ करके वहाँ पहुँचता है जहाँ पर वो नरक बनाया जा रहा था। तो वहाँ पर देखा कि लाखों मिस्त्री लगे हैं, लाखों लेबर लगे हुए हैं और सोने का महल फिर से सुंदर बनाया जा रहा है। तो कहा, अब क्या हो रहा है? बोले, अब उस धर्मवीर राजा जो था वो अधर्मवीर हुआ था, नरक बन रहा था, अब वो फिर से धर्मवीर हो गया है। ब्राह्मण की कन्या के विवाह में पूरा पैसा लगाएगा, अपने साथ शादी नहीं करेगा, इसलिए सुंदर सोने का महल फिर बन रहा है और स्पेशल स्वर्ग में उसको रखा जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी भावना का फल भी तैयार होने लग जाता है, इसलिए भावना को भी शुद्ध रखना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। मैं एक चीज आपको सुना रहा था कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ऐसी चौपाई थी ना। 4 मित्र स्टेशन पर अहमदाबाद में पहुंचे हैं, ट्रेन में भीड़ बहुत है। एक मित्र ने कहा, आज यात्रा रद्द कर दो, कल यात्रा करेंगे, क्योंकि आज जो है भीड़ ज्यादा है। दूसरे ने कहा, बिल्कुल रद्द कर दो। तीसरे ने कहा, कल देख लेंगे। चौथा बोला, आज ही यात्रा करेंगे और भीड़ को छांट देंगे हम। तरीका है भीड़ को छांटने का। बड़े तरीके वाले लोग हैं, बहुत कलाकार लोग हैं। 20 कदम पीछे प्लेटफार्म पर गया चौथा मित्र और जोर से दौड़ करके आया। डिब्बे में खड़े हुए लोगों को गेट पर धक्का मारा और कहा, मूर्खों यहाँ खड़े हो, इस डिब्बे में काला सांप घुसा है, डस लेगा, मर जाओगे। सारे डिब्बे के लोग चारों तरफ कूद कूद कर भाग गए। बोले, जान बड़ी है, ट्रेन बाद को मिल जाएगी। डिब्बा खाली हो गया, तब उसने अपने दोस्तों से कहा, आइए और सो जाइए। ऐसा तरीका। चारों मित्र डिब्बे में सो गए। टीटी ने राउंड लिया, डिब्बा खाली है। पूछा यात्रियों से, डिब्बा क्यों खाली? बोले, इसमें काला सांप घुसा है। कहाँ है? बोले, अंदर जाके देखो, जहाँ है तहाँ है। बोले, काट लेगा तो? कहा, कहा राम राम, सत्य है, ऊपर चले जाओगे और क्या। टीटी ने कहा, नुकसान गवर्नमेंट का हो, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। टीटी ने सूचना दे दी स्टेशन मास्टर को, अमुक डिब्बा में काला सांप घुस गया है, क्या किया जाए। स्टेशन मास्टर को भी हिम्मत नहीं पड़ी, उसके अंदर घुसूं, उसमें काला सांप क्या घुसा है, उसमें 4 आदमी घुसे हैं। धीरे धीरे ट्रेन छूटने का समय आ गया, चारों मित्र सो रहे हैं। ट्रेन टाइम पर छूट गई, सवेरे 5 बजे बॉम्बे जंक्शन पहुँच गई। सवेरे 5 बजे जब वे चारों मित्र ट्रेन से उतरे नीचे, तो देखा कि बोर्ड लिखा लगा है अहमदाबाद जंक्शन। तो उन्होंने कहा, सबसे पूछा, ये ट्रेन क्या आज गई नहीं, अहमदाबाद में खड़ी है? तो लोगों ने बताया, ट्रेन तो चली गई, इस डिब्बा में काला सांप घुसा था, इसलिए बोगी यहीं काट दी गई है। ऐसे याद रखना भाइयों बहनों, जिसकी बोगी में काला सांप घुसा है वो इधर कट जाएगी, सत्संग की ट्रेन तो चली जाएगी, इसलिए कपट का काला सांप घुसने न पाए। सरल स्वभाव। आपकी इच्छा हो तो यहां सत्संग और बढ़ा दूं, 7 दिन का कर दूं, कर दूं। बोल जगदीश, प्रहलाद, अरे मोई वालों के होश उड़ गए, 7 दिन में हम क्या करेंगे? लेकिन चिंता मत करो, सब पुण्य से होगा। सरल स्वभावे न मने कुटिलाई, यथा लाभ संत
तोस सदाई सरल स्वभाव नमने कुटिलाई सरल स्वभाव नमने कुटिलाई यथालाभ संतो सदाई कहो भगति पथ कौन प्रयासा योग नमख जप तप उपवासा सरल स्वभाव नमने कुटिलाई स्वभाव की सरलता भक्ति है, निष्कपट हृदय भक्ति है, संतोष रखना भक्ति है, सरल स्वभाव नमने कुटिलाई यथालाभ सं तो से सदाई। गौर से समझना, भक्ति के मार्ग में भगवान राम कहते हैं पूर्वासियों से कि स्वभाव को सरल बनाना भक्ति है, कपट को छोड़ देना भक्ति है, सेवा करना भक्ति है, गुरु का ध्यान करना भक्ति है। संत गुरु की सेवा के लिए धर्म प्रचार करना भक्ति है, विश्व कल्याण के लिए तन मन धन से समर्पित हो जाना भक्ति है, दूसरों का ख्याल रखना भक्ति है, यज्ञ ना कर सको तो कोई बात नहीं। राम कहते हैं कि यज्ञ भक्ति में जप करना, तप करना, माला फेरना, हवन करना, यज्ञ करना, तर्पण करना, योग करना, ये जरूरी नहीं। जिस समय वनवास से वापस लौट करके राम भगवान आए, पूर्वासियों को संबोधन दिया और समझाया कि भक्ति करने से तुम क्यों डरते हो, कहो भगत पथ कौन प्रयासा, योग न मख जप तप उपवासा। हे पूर्वासियों, भक्ति में न योग करना है, न जप करना है, न तप करना है, न यज्ञ करना है, न हवन करना है। तो पूर्वासियों ने पूछा, फिर भगवान भक्ति में क्या करना है? राम ने कहा, सरल स्वभाव बनाना है। ऐसा सरल स्वभाव बनाना है जैसे शिबरी का सरल स्वभाव था। शिबरी के पास कुछ नहीं है, आंसुओं से पैर पखारती है, नीचे अंजलि रख लेती है, ऊपर से आंसुओं की धार गिरती है और पैर पखार लेते। अंजलि का पात्र है ये पहली भक्त शिबरी है जिसने अपने हाथों का पात्र बनाया है और आंसुओं के जल से भगवान के पैर पखारे हैं और स्वागत में बेर खिलाया है। संत के चरण छूना, मैं अपने गुरुदेव का चरण छूता हूँ, अपने से बड़ों के चरण छूता हूँ, उस चरण छूने का ही कमाल है। ये चरण धूलि का कमाल हनुमान चालीसा जिन्होंने पढ़ा होगा उसमें पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुणो रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धहीन तन जान के सुमिरों पवन कुमार
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। होरी वाले हनुमान जी पवन कुमार होरी वाले हैं। अब इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ, बड़ा मजेदार अर्थ है। श्री गुरु चरण सरोज रज, किस गुरु के चरणों की रज हो धूल हो, जिनके चरण कमल हो, जिनका जीवन कमल हो, हाथ कमल हो, नयन कमल हो, मुख कमल हो, पद कमल हो, कर कमल हो, ऐसे गुरुदेव के कमल रूपी चरणों की धूल को लेकर के मन रूपी दर्पण के ऊपर जो मोह माया की धूल जमा है, उस धूल को धूल से साफ कर दो। गुरुदेव के चरणों की धूल से वो माया की धूल साफ हो जाएगी, फिर तेरा मन दर्पण हो जाएगा, तेरा मन दर्पण कहलाए। फिर उसके बाद जिसकी बुद्धि कम हो तो उसे पवन कुमार का सुमिरन करना चाहिए। तो पवन कुमार का सुमिरन कैसे करोगे? बुद्धहीन तन जाने के सुमिरों पवन कुमार। आज मैं ये भी पॉइंट बता दूंगा, जिसके बुद्धि कम है, याद नहीं होता है, पढ़ने में कमज़ोर है, मेमोरी डाउन है, बच्चे बहुत परेशान हैं, रिजल्ट गिरता है, फेल होते हैं, थर्ड फर्ड पास होते हैं, कोई काम के नहीं रह जाते हैं, तो आज मेमोरी हाई कर दूं, आज करूं कि अगले साल करूं, इसका मतलब सब डाउन वाले ही हैं, आज ही दे देता हूं इंजेक्शन, मेमोरी कैसे बढ़ेगी। बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को भूलना मत, बहुत मार्के की बात बताऊंगा। सुमिरो पवन कुमार, पवन कुमार किसका नाम है? हनुमान जी का नाम पवन कुमार है। तो पवन कुमार का सुमिरन करो, यानी स्मरण करो, यानी याद करो उनको। तो उनको याद करने से क्या होगा? बुद्धि बढ़ जाएगी। तो कैसे बढ़ेगी? हनुमान जी को याद करो, स्मरण करने का अर्थ ये है कि जैसे हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, ऐसे तुम भी कुछ ब्रह्मचर्य का पालन करो तो तुम्हारी बुद्धि का स्मरण बढ़ जाएगा। थोड़ा सा ब्रह्मचर्य धारण कर लो, आपन तेज समारोह आपे तीनों लोक हांकते कांपे, फिर आपको भूलेगा जल्दी नहीं। दूसरा तरीका बता दो, क्योंकि कभी कभी पवन कुमार का सुमिरन करना तुम भूल गए तो फिर दूसरा फार्मूला है। तुलसी की पत्ती दो सुबह सुबह और एक लवंग आप खा लीजिए। लवंग के ऊपर फूल होता ना, उस फूल को गिरा दीजिए और फिर पानी से धो डालिए, पत्ती को भी और लवंग को भी, और फिर मुंह में रख करके उसका धीरे धीरे रस चूसिए। उससे आपकी बुद्धि एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये नहीं कि फिर 10 लौंग खाओ तो उल्टा भी हो जाएगा, हाँ ऐसा सोच, बस जो जितने मात्रा उतनी ही रखनी। और भोजन 25% यानी चौथाई भूख से कम खाओ, क्योंकि भूख से ज़्यादा भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, कन्हैया लाल पाटीदार। ज्ञाने घटे नर मूढ़ की संगति, ध्याने घटे चित को भर माए, तीज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, दयाल कहीं सुन रे नर मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगते, माने घटे नित पर घर जाए। किसी के घर रोज मत जाना, अन्यथा तुम्हारा सम्मान घट जाएगा। यहाँ तक है कि ससुराल में भी रोज मत जाना, लेकिन अगर ससुराल में सास ससुर भी नहीं रह गए, कोई साला साली भी नहीं है, तो ससुराल में ही रहना, फिर तो ससुराल घर है। रोज रोज किसी दोस्त के घर पे भी मत बैठना, अन्यथा तुम्हारे नाम पे कलंक भी लग सकता है।
और जिससे प्रेम हो तो उससे रोज रोज मांगना मत कुछ, ज्यादा मांगने से प्रेम टूट जाता है। और ये भी याद रखना कि कभी कभी मांग भी लेना, उससे भी प्रेम बढ़ जाता है, क्योंकि लेन देन से भी प्रेम बढ़ता है। अधिक भोजन करने से बुद्धि घट जाती है, अधिक भोगों को भोगने से तेज समाप्त हो जाता है। आप चाहते हो कि 70 साल की उम्र में भी आपका शरीर चमकता रहे, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, संसार के भोगों को थोड़ा कम भोगना, थोड़ा संयम रखना, तो 70 साल की उम्र में तुम ऐसे दिखाई दोगे जैसे 27 साल की उम्र के हो, कम उम्र हो जाएगी। और एक निवेदन और मैं आपसे करूंगा, हरी सब्जी ज़्यादा खाना। विद्यार्थियों को आज एक फार्मूला बताऊंगा, किसी चीज़ को तुम याद करते हो और भूल जाते हो तो ना भूले, इसके लिए बताता हूँ कि सीधा याद करो फिर उल्टा याद करो। जैसे मैं श्लोक बोलता हूँ कोई, जैसे मैंने आपके सामने बोला, सांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समा, तो ये सीधा हो गया। अब उल्टा है इसका, नच धर्मो दया समा न तृष्णाया परो व्याधि न संतोषात परम सुखम सांतुल्यम तपो नास्ति, उल्टा भी जाओ सीधा भी आओ तो अंदर बिल्कुल रबड़ी हो जाएगा, फिर ठीक रहेगा। मैं तो कुछ भी याद करता हूँ तो मैं हमेशा सीधा याद करता हूँ फिर उल्टा याद करता हूँ, उल्टा भी पढ़ता हूँ सीधा पढ़ता हूँ, चाहे श्लोक हो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। इसलिए मैं जब याद करता हूँ ना, वो 15-20 साल तक परमानेंट रहता है, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं। इसलिए तुम भी उल्टा सीधा कर दो, ढंग से याद करो। और स्नान करते समय, रास्ते में चलते समय, गाड़ी में बैठते समय, बिस्तर पर लेटते समय भी जो याद किया है उसको मनन करते रहो। और विद्यार्थियों से मैं कहूँगा कि गाना ना सुने, वो मोबाइल में तार लगा के, ईयरफोन लगा के गाना ना सुने कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरी खोपड़ी उड़ी जा रही है। ऐसा अगर गाना सुनेंगे तो दिमाग फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर याद नहीं होगा। और ये गाना वाना तो वैसे भी सुनना नहीं चाहिए, इसमें कुछ भी सुख नहीं है। और ये ईयरफोन लगा करके लोग जो गाना सुनते हैं ना, कान में क्या लगाते, दो खुटिया। तो मैंने एक आदमी से पूछा, कान में लगा के क्यों सुन रहे हो मोबाइल से, उसको निकाल दो बाहर आवाज आने दो। बोले इतना गंदा है कि बाहर फेंकने लायक नहीं, सब अंदर ही कचड़ा जाना चाहिए, उसको मत सुनो। ऐसे ऐसे भजन गाइए, मस्त हो जाइए, आनंद मनाइए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। सब गाइए, आनंद में डूब जाइए। देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। कभी आपके मन में निराशा हो, आपके मन में दुख हो, आपकी पत्नी सिरदर्द बता रही हो, उसके पड़ोस बैठकर ये गीत गाना तो उसका सिरदर्द दूर हो जाएगा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा,
सब गाइए। देवता हो भजन गाने से पुण्य बढ़ता है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। भजन गाने से पुण्य बढ़ता है, आरती करने से दुख खत्म होते हैं। जो आरती की जाती है, ये आरती करो, आ माने आओ और रति माने लीन हो जाओ। जिस समय आप आरती करते हो, आरती में लीन हो जाते हो, आपके दुख भी दूर होने लग जाते हैं। इसलिए आरती में सम्मिलित होना चाहिए और आरती की थाल में या आरती के बाद में जब तुम दान देते हो तो घर का दरिद्र दूर होने लग जाता है। आरती में जो घी का दीपक जलता है प्रकाश का प्रतीक है, आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलने लग जाता है। इसलिए भाव से आरती करना चाहिए, आरती में दान भी देना चाहिए, भजन भी गाना चाहिए। खेत में काम करते करते भी भजन गाओ। और अपने मन को भी बस में रखो, आपका मन आपके बस में रहे।